एक्चुअली वो कुछ बोल रहा था भाई मेरे छोटे भाई के लिए कि वो मोटा है, ऐसा है, वैसा है। नाम तो मैं उसका नहीं बोलूंगा वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हो सकता है उसने मजाक में बोला होगा, लेकिन मजाक की भी एक सीमा होती है। ये नहीं कि इसके घर वालों को भी लपेटो तुम उस मजाक में। इतने खूंखार हो गए भाई आपके बच्चे, क्योंकि वो अपने बाप को भी छोटा समझते हैं भाई। और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे तब लग रहा है कि अनिता बोल रही कि उधर जो अगल बगल लड़के खड़े थे वो कुछ जानने वाले भी थे उनमें से। पहले तो लड़की के साथ मजाक कर रहा है और ऊपर से तू उसके घर वालों को कमेंट पास आउट कर रहा है। किसी लड़की के साथ कोई लड़का मजाक कर रहा है और वो भी ओवर मजाक कर रहा है, उसके घर वालों के लिए कमेंट पास आउट कर रहा है और तुम लोग मस्त करके हंस रहे हो। ऐसे लोग क्राइम को बढ़ावा देते हैं। यहाँ मुझे मिले हैं दयाराम भाई और इसमें से धमकी दी जा रही कि मेरा वीडियो बना, नहीं तो देख ले। ओहो, आज तो मोमो आ गए, मोमो। और सुबह का टाइम है तो बाहर जाकर देखते हैं तो अरे भाई साहब खतरनाक बारिश हो रही है। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धांतरी गांव से। तो कल रात 9 बजे से लगातार बारिश हो रही है, बारिश के कारण पूरे चौक पे सेवाल ही सेवाल जमा हो गया है। और गौशाला की बात करें तो यहाँ देखिए चारों तरफ घास ही घास मधुली ने बिखेर रखा है और दोनों को अंदर रखा हुआ है। वैसे तो मधुली को बारिश में बाहर रखते हैं, लेकिन अंदर इसलिए बांधना पड़ा क्योंकि ये जो अखरोट का पेड़ है बहुत ज्यादा कच्चा हो गया है, कहीं ये न टूट जाए इसलिए उसको अंदर ही बांध रखा है। तो बारिश में पहाड़ों में सारे काम काज एकदम ठप हो जाते हैं, किसी भी काम करने का मन नहीं करता है क्योंकि बारिश में भीगने का खतरा होता है। और काफी दिनों बाद आज एक बार फिर से ट्रायल कर रहा हूँ, यानी कि वीडियो को आज घर में ही अपलोड कर रहा हूँ। ठीक सामने पे मैंने मोबाइल लगा रखा और इसी में वीडियो अपलोड करने के लिए लगा रखी है। हालांकि वीडियो बहुत स्लो अपलोड हो रही, लेकिन चलो मैंने कहा एक डेढ़ घंटे में तो हो ही जाएगी। लगभग एक सवा एक घंटा तो मेरे को हो गया है और अभी भी एक डेढ़ घंटा और दिखा रहे, तो कोई बात नहीं, इतना तो मैनेज कर ही लूंगा। क्योंकि घर वाले मना कर रहे हैं कि इस बारिश में कहीं मत जा, वो भी अब धीरे धीरे घबरा रहे हैं क्योंकि आए दिन पहाड़ों में हर जगह हादसे सुनाई दे रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा देर ही सही पर अंधेर नहीं होगी, मैंने वीडियो वहीं पे लगा दिया अपलोड करने के लिए। ठीक सामने देखिए कोनगढ़ गांव और कोनगढ़ गांव के ऊपर जो पहाड़ी है वहां चारों तरफ कोहरा ही कोहरा घिर गया है। आज तो दूर दूर जहां तक पहाड़ियों पर नजर जा रही है हर जगह कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। और बाकी घर में जो स्पीड आती है वो लगभग 150 से 200 KB तक आती है, इससे ऊपर तो स्पीड आती नहीं है। अब देखिए जी, बारिश से इंसान को ही नहीं पशु पक्षी जानवर सबको दिक्कत होती है। ठीक सामने तार पे देखिए बेचारी चिड़िया भी आज पूरी भीग गई है, इन बेचारों के घर आसियाने सब भीग गए हैं। चलो भाई, अनीता तो सुबह ही स्कूल चले गई है और बाकी अंदर माँ जी हम सब के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना रही है, यानी कि आज माँ भी घर में टिकी हुई है। चलिए फिर अंदर चलते हैं। हेलो माँ, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है माँ? आज माँ को ठंड लग रही है, आज माँ ने शॉल ओढ़ रखा है। और आज क्या हुआ कि सुबह माँ जैसे ही चाय बना रही थी तब तक सिलेंडर खत्म हो गया, तो इमरजेंसी में आज ये मशीन काम आ रही है जो कि मैंने पिछले साल यूट्यूब के पैसे से लाई थी। बहुत सपोर्ट करती है ये मशीन हमें, यानी कि गैस का कोई भरोसा नहीं होता कब खाली हो जाए, तो इसी पे बन रही है अभी मस्त करके गर्मा गर्म रोटी। माँ जो मशीन लाई थी पिछले साल सही लाए ना? अच्छी मशीन है। हाँ माँ भी खुश है भाई। और बाकी ठीक, इस वाले कमरे की बात किया है तो नाना जी अभी आराम कर रहे हैं। नाना जी ठीक है तबियत पानी? अरे ठीक ही है, अब क्या बोले, नहीं हौसला रखने के लिए ठीक ही बोलना पड़ता है। बारिश हो रही, सही बात है। अब देखिए जी, इस उम्र में क्या बोल सकता है इंसान, दर्द तो होता ही होगा, लेकिन क्या करें, अपना दर्द छुपाना पड़ता, तो इसीलिए नाना बोल रहे हैं ठीक ही है। तो माँ ने भी गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म रोटी बना दी है, धन्यवाद माता श्री। धन्यवाद। चलो भाई गर्मा गर्म रोटी और गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। और बाकी मशीन पे माँ जी रोटी बना रही है तो उसमें जल भी जाता है जब सिकाई करते हैं रोटी की। और बाकी मुझे और नाना जी को नाश्ता करवाने के बाद माँ जी भी नाश्ता कर रही है। अब देखिए जी, समय 9:30 बज रहे, हम सबने गर्मा गर्म नाश्ता भी कर लिया है और जो बारिश है वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है, यानी कि बारिश को तो कोई नहीं रोक सकता है। पता नहीं इंद्रदेव आज क्या सोच रहे हैं, हाल ही में इन्होंने इतनी ज्यादा तबाही कर दी है, अभी भी इनका मन नहीं भरा है तबाही करने के बाद। अब तो इंद्रदेव की जो सोच है उससे डर लग रहा भाई। अब बारिश कितनी भी हो अपनी माँ को तो जाना ही पड़ता है घास के लिए, क्योंकि माँ को मधुली और काजल की फिक्र भी है। तो माँ ने मेरी वाली बरसाती पहन ली है जो मैंने बद्रीनाथ यात्रा के समय ली थी। माँ ठीक है, जल्दी जाना और जल्दी घर आना, ठीक है? ठीक है ठीक है। तो माँ ने आधे घंटे इंतजार किया, माँ ने सोचा शायद रुकेगी, बारिश रुकेगी, लेकिन नहीं रुक रही है। तो माँ को पता है कि अंदर मधुली भी भूखी है। और देखिए जी, बारिश से पूरे चौक में सेवाल ही सेवाल इकट्ठा हो गया है। वैसे मैं कल ही ब्लीचिंग पाउडर ला रहा था और कल ही डाल रहा था, लेकिन मैंने वेदर रिपोर्ट चेक की तो बारिश ही दिखा रहा था, तो मैंने सोचा अगर मैं ब्लीचिंग डालता तो वो सारा बह जाता, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ एक दो दिन बाद जब बारिश पूरी रुक जाएगी उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर डाल दूंगा, तब जाके पूरा साफ हो जाएगा सेवाल। तो अपनी माँ की ददरी और पगड़ी तैयार हो गई है और अच्छी बात है कि माँ ने बरसाती भी पहन रखी है, नहीं तो ऐसी भीग के जाते और भीग के आती कई बार। तो आजकल दूर दूर तक नजर जा रही है, तो कद्दू के जितने भी पीले पीले फूल है काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। चलिए जी, 2.5 घंटे बाहर पे मोबाइल रखने के बाद आखिरकार वीडियो अपलोड हो ही गई है। अब वीडियो थोड़ा चेकिंग प्रोसेस में, उसके बाद मैं पब्लिक कर दूंगा वीडियो को। और बारिश अभी भी लगातार कंटिन्यू लगी हुई है।
तो समय अभी दिन की 12:30 बज रही है और अब जाके भाई साहब थोड़ा बहुत बारिश कंट्रोल में आ गई है। और एक बार गौशाला की तरफ चलते हैं क्योंकि माँ ने बोला है गौशाला में देखते रहना कहीं काजल मधुली का दूध ना पी ले, क्योंकि कोई भरोसा नहीं भाई, दोनों माँ बेटी बहुत चालाक है भाई। हाँ जी हेलो मधुली, क्या हाल है पगली? अरे वाह 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 वाह, ये इज्जतदार तो बड़ी फर्स्ट क्लास ढंग से बैठ रही है भाई है। चलो इसका मतलब दूध नहीं पिया इसने क्योंकि बैठी हुई है। और ये भी देख रहे हैं नहीं चल रहा तेरे बच्चे पे, टेंशन ना ले तू, घबरा मत, मैं मस्त अपना ही बंदा हूँ यार। क्या बात कर रही तू? क्यों पगली, पगली थारी फिकर रहती है हमको, ए पगली थारी फिकर रहती है, थारी फिकर रहती है, बस 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 बैठ जा बैठ जा, खड़ी हो गई। अरे यार ये पगली बहुत टेंशन में आ जाती है, कतई जल्दी घबरा जाती है। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से क्योंकि मधुली एकदम घूर घूर के देख रही मुझे। अब तो लगा लो जब से मधुली और काजल रंगे हाथ पकड़े गए हैं ना, रंगे हाथ पकड़ने का मतलब है कि जब से मधुली को काजल को दूध पिलाते हुए देखा है ना, तब से तो माँ बोल रही कि भाई देखते रहना उन दोनों को, कहीं माँ बेटी चालाकी ना कर रहे हो। नहीं तो हम पहले क्या सोच रहे थे कि मधुली को किसी की नजर लग गई, इसका दूध इतना कम क्यों हो गया, लेकिन जिस दिन देखा उस दिन पैरों तले जमीन खिसक गई थी भाई हम सब की। चलो भाई दिन की बच गई एक और अनीता इस कम बैक। आइए आपका इंतजार था। बस गुरुदेव बस पाँव में नहीं, जय जय गुरुदेव, नहीं पाँव में नहीं पढ़ते गुरुदेव। अच्छा पढ़ाई कैसी चली? पढ़ाई मतलब नहीं मतलब नहीं चली। क्यों गई तू? इतनी फिक्र इसको पढ़ाई की नहीं होती जितनी इसको सुबह स्कूल जाने की होती ना है? भाई साहब स्कूल के नाम पे तो सुबह 6 बजे उठ जाएगी, लेकिन पढ़ाई का नाम निकालूंगा ना। बिल्कुल नहीं भैया, प्लीज सोने दो है, क्या होगा तेरा कसम से है। हाँ भैया अभी मेरे को आंखें घुराएगी ऐसी, क्यों डाला ये वाला, काट दो इस वीडियो को है, कटवाना मत, सच्चाई हो झेलना पड़ेगा। मार मत मार। चलो भाई अनीता तो आ गए, अभी माँ का इंतजार है, माँ भी आ जाती तो सोने पे सुहागा हो जाता क्यों, हालांकि सोना तो बहुत महंगा हो रखा। हेलो क्यों नहीं हुई आज पढ़ाई? टीचर लोग सब हड़ताल पे जा रहे हैं। सब हड़ताल पे? अरे मास्टरों क्यों हड़ताल पे जा रहे हो यार, हड़ताल पे तो हम बेरोजगारों को जाना चाहिए, आप लोगों को अच्छी खासी तनख्वाह भी मिल रही है, मस्त करके पढ़ाओ यार बच्चों को यार, ज्यादा हड़ताल मत करो भाई, हड़ताल हड़ताल हमें करने दो, आप लोग पढ़ाओ मस्त करके ठीक है। चलो भाई अनीता अभी अभी जैसे स्कूल से आए तो एक शिकायत कर रही है मेरे से, एक्चुअली इनके स्कूल में कोई एक लड़का है तुम्हारी क्लास में, तो एक्चुअली इनकी क्लास में कोई लड़का है वो आर्ट साइड का है, वो बस इसको कुछ बोल रहा था भैया, तो एक्चुअली वो कुछ बोल रहा था बोले मेरे छोटे भाई के लिए कि वो मोटा है, ऐसा है वैसा है, ये मेरे से भी कंप्लेन कर रही है कि भैया ऐसा बोल रहा था वैसा बोल रहा था। नाम तो मैं उसका नहीं बोलूंगा वीडियो में क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं सोशल मीडिया है, लेकिन उसको पूछूंगा जरूर मैं कि अगर मेरा भाई ऐसा खाता है वैसा खाता है तो क्या तुम्हारे घर से खाता है, पूछूंगा तो जरूर मैं है। मैं बोला अपने घर से दूंगा ही नहीं खाना, तो बस राशन का रेकर खत्म। अच्छा मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हो सकता है उसने मजाक में बोला होगा, लेकिन मजाक की भी एक सीमा होती है, अगर मैं मजाक तुम्हारे घर वालों के लिए बोल दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा भाई, मजाक उतना ही करो जितनी लिमिट है ठीक है, इसके साथ मजाक किया तो इसी के दायरे तक करो, ये नहीं कि इसके घर वालों को भी लपेटो तुम उस मजाक में। और वो मेरा जो छोटा भाई है भाई वो तेरे से बहुत बड़ा है, लेकिन चल मेरे भाई तू कहीं मार्केट में मिलेगा तो जरूर पूछूंगा कि तेरे घर से कितना राशन खाया, तेरा हिसाब भी पूरा करूंगा क्यों। ये बेचारी बहुत टेंशन में कि भैया उसने ऐसे से बोला मेरे भाई के लिए, टेंशन मत ले, थारा भाई जोगेंद्र, ओ सॉरी थारा भाई जिंदा है। मैंने बोला रुक जा, मैंने कहा मैं पहाड़ी भाई से करूंगी शिकायत, हां बोल रहा कर ले। अच्छा कर ले, इतने खूंखार हो गए भाई आज के बच्चे, यानी कि हमारे जमाने में हम जब छोटे थे ना भाई बड़ों को देख के बहुत डरते थे यार, लेकिन आज के छोटे बच्चे है ना, एक्चुअली ये मोबाइल का जमाना है ना, वो ऐसा सोच रहे हैं कि बड़ा कुछ नहीं है क्योंकि वो अपने बाप को भी छोटा समझते हैं भाई। फिर अनीता बोल रही कि भैया मजाक तो हो जाता है, लेकिन वो मजाक ठीक नहीं कि जो घर वालों की धज्जियां उड़ाए, वो भी सारे बच्चे थे बल वहां और उनके सामने वो धज्जियां उड़ा रहा था हमारे फैमिली मेंबर की, तो भाई ये मजाक नहीं होता है, इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा ओवर हो रहे हो, और ऐसे लोगों का इलाज भी टाइम पे करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसे लोग आगे बहुत खतरनाक खलनायक बन जाते हैं, ये लोग तो मजाक में घर में कुछ भी कर सकते हैं फिर, तो मैं यही बोलूंगा कि मजाक उतनी लिमिट तक करो जितना सही है, हद से ज्यादा करोगे तो उसके परिणाम भी गलत मिलते हैं भाई। और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे तब लग रहा है कि अनीता बोल रही कि उधर जो अगल बगल लड़के खड़े थे वो कुछ जानने वाले भी थे उनमें से कम वो भी तो बोल सकते थे उस लड़के को यार इतना मजाक ठीक नहीं है, पहले तो लड़की के साथ मजाक कर रहा है और ऊपर से तू उसके घर वालों को कमेंट पास आउट कर रहा है, लेकिन वो लड़के मस्त करके हंस रहे हैं, कम से कम ये भी तो बोल सकते हैं ठीक नहीं इतना ओवर मजाक मत कर, लेकिन वो मस्त करके ठाके ले रहे थे बल। वाह भाई क्या संस्कार है यार, वाह
किसी लड़के के साथ कोई लड़का मजाक कर रहा है और वो भी ओवर मजाक कर रहा है, उसके घर वालों के लिए कमेंट पास आउट कर रहा है और तुम लोग मस्त करके हंस रहे हो, यानी कि तुम्हें मजा आ रहा है। ऐसे लोग क्राइम को बढ़ावा देते हैं। मैं मजाक के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उस चीज के खिलाफ हूँ कि मजाक में घर वालों के लिए पता नहीं क्या क्या कमेंट पास आउट किए जा रहे थे। और मैं हर लोगों से यही बोलता हूँ कि इतना मजाक मत होने दिया करो कहीं पे भी, जहाँ पे भी कोई लड़का किसी लड़की से मजाक कर रहा है, अगर मजाक की सीमा पार हो रही तो उनको रोक दो, ठीक नहीं इतना। चलिए जी, अभी मेरी तैयारी है मार्केट जाने की। जो सिलेंडर सुबह खत्म हुआ उसको भरवा देता हूँ, क्योंकि वही एक सिलेंडर था जिसको हम यूज कर रहे थे, और तो है ही नहीं। बाकी चले जी, मार्केट तो आ गया हूँ। तो अभी मैं प्रशांत भाई के कैफे में आया हूँ, तो यहाँ मेरे एक दीदी जी मिले हैं और इसमें से धमकी दी जा रही कि मेरा वीडियो बना, नहीं तो देख ले। ये है दीदी जी। दीदी जी प्रणाम। बढ़िया, कितने मोमो खाए? तीन तो नहीं लग रहा। अच्छा, कैमरे के आगे तीन ही बोलना पड़ता है। ठीक है ठीक है, और ठीक है ना, स्वास्थ्य पानी। चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब आ गए हैं, अब धमकी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक जी। यहाँ मुझे मिले हैं दयाराम भाई। दयाराम भाई सिलेंडर ले जाओगे? चलो ठीक है। दयाराम भाई भी ऐसे बैठे हैं खाली, तो मैं सोच रहा हूँ ले जाएंगे तो इनको भी 2-4 रुपए थोड़ा भले एक्स्ट्रा ही दे दूंगा मैं। बाकी चले जी, सिलेंडर मैंने दयाराम भाई के पास दे दिया है। तो मैंने उसको बोलता था बाइक पे बैठ के चल, तो वो डर रहा है कि मैं नहीं बैठता बाइक पे, उसको पैदल ही अच्छा लग रहा है। बाकी अनीता आने वाली है सड़क पे, तो उसके लिए मैंने मोमो भी ला रखी क्योंकि उसको बहुत ज्यादा भूख लग गई है। बाकी ठीक सामने से देखिए, अनीता भी आ रही है आज, इसमें आज बिल्कुल भी जान नहीं है राम, इसको बहुत ज्यादा भूख लग गई। एक्चुअली आज गैस खत्म हो रखा था ना, या खुश हो रही है, इसको पता है भाई ने तो मोमो ला दे होंगे मेरे लिए, और मोमो भी ला ही रखे यार उसके लिए। ये हमारे घर की लक्ष्मी है, हम इसको कैसे भूखा रखें। मैं भले खुद भूखा रह जाऊं, लेकिन अनीता हो गए और घर के जितने मेंबर है उनको भूखा नहीं रख सकता हूं मैं, हालांकि मैं भी नहीं रह सकता हूं। और आज तो भाई दयाराम भाई स्पीड में चल रहे हैं भाई आज, अरे वाह, अलग ही स्वैग में चल रहे हैं भाई आज। आजा अनीता जल्दी आजा। तो दयाराम भाई तो चले गए आगे, बाकी दयाराम भाई को तो पता है मेरा घर, क्योंकि जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तो लगभग 7-8 महीने बाद मैंने दयाराम भाई की बहुत सारी हेल्प करवाई थी सोशल मीडिया से। तो दयाराम भाई तब से खुश होते हैं भाई मेरे साथ, और इनके घर वाले बहुत खुश है मेरे साथ, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया था भाई मेरे को। एक्चुअली बहुत गरीब है बेचारा ना, लेकिन दिल का साफ है और बहुत ईमानदारी से काम करता है भाई। ले भाई खुश, एक प्लेट मोमो आराम से खा, ठीक है भैया। तो मार्केट जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? एक्चुअली जो जहाँ से मैंने सिलेंडर लाया ना उनके पैसे देना, बाकी मैं जल्दी बाजी भाई, तेरे को भूख लगी थी, उनके पैसे दे दो, मैं तब आ गया, ठीक है जल्दी आना। ठीक है ठीक है। भैया तो चले गए हैं और मैंने तो अभी खाना भी बनाना। ओहो, आज तो मोमो आ गए, मोमो मोमो गम के आज। और मैं घर पे भी पहुंच गई हूँ, उन्होंने सिलेंडर भी लगा लिया है। चलो अब खाना बनाती हूँ मैं जल्दी से। तो चलिए जी, दयाराम भाई भी आ गया सिलेंडर भरवा के, और इसने खाली सिलेंडर भी वापस ला दिया है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये दूसरे मोबाइल से बना रहा हूँ, हालांकि क्वालिटी थोड़ा कम होगी, लेकिन भाई साहब कभी मैंने इसी मोबाइल से 1 साल काटा है। वैसे तो जिस मोबाइल से मैं वीडियो बनाता हूँ वो मैंने अनीता के पास दे रखा है, और वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही क्योंकि कुछ लोग है ना जिनको प्रूफ देना पड़ता है, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे तुमने उससे सिलेंडर भरवाया उसको कुछ नहीं दिया। इसलिए भाई साहब क्या करें, प्रूफ का जमाना है तो रखना पड़ता है अपने पास। और ये वही मोबाइल है जो मैंने परसों सही करवाया था। और ठीक सामने पे दयाराम भाई। दयाराम भाई ठीक है? बढ़िया, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने दयाराम भाई के लिए 1/2 प्लेट मोमो ऑर्डर करवा रखे हैं। मोमो खाएगा, कुछ और भी खाएगा? मोमो, चल ठीक है। हेलो, मस्त मोमो बनाओ, ठीक है। दयाराम भाई नाराज नहीं होना चाहिए, खुश होगा। हाँ ठीक है, हम चाहते हैं कि मोमो खाने के बाद दयाराम भाई बोले कि मोगेम्बो खुश हुआ। क्यों भाई, मोगेम्बो खुश हुआ? हाँ सही है। ले दयाराम भाई खाओ साहब। चलो भाई, दयाराम भाई ने मोमोज खा लिए। हेलो भाई, खा लिए? और खाएगा कुछ? बस हो गया, अब भाई का करते हिसाब। ठीक ठीक है। और बुआ भी आ गई है। शाम के 4 बज गए और अभी आ रहे भैया। अरे भाई, अनीता ने क्या क्या सामान मंगाया था ये देख पहले। हैं? क्या क्या मंगाए तूने देख? इतना सारा नहीं मंगाया था। तो चलिए जी, फाइनली मैं घर भी आ गया और बाकी समय अभी 4 बज रही है, और सुबह से तो बारिश लग रही थी। बाकी अभी जैसे सूर्यदेव अपने घर जाने वाले वैसे थोड़ा थोड़ा अपनी रोशनी दिखा रहे हैं। और ठीक, अगर गौशाला की बात की जाए तो मधुली को तो बाहर निकाल रखा, और बाकी माँ अभी मधुली का गोबर सार रही है। चलिए जी, माँ जी तो मधुली का गोबर सार रही है और बाकी मधुली को तो बाहर निकाल दिया है, लेकिन इसको काट रहे हैं जंगली मक्खियाँ। तो इसके लिए धुआंधी लगानी पड़ेगी, यानी कि एक जगह पे पिरुल इकट्ठा करना पड़ेगा,
और इस पे आग लगानी पड़ेगी। जैसी इस पे बहुत ज्यादा आग लगेगी उसके बाद इसके ऊपर जो गोबर होता है उसको डालना पड़ेगा, तब जाके आग थोड़ा बुझ जाएगी और गोबर भी जलेगा, उससे धुआं निकलेगा और उसी धुएं से मधुली थोड़ा जंगली मक्खियों से बच जाएगी। तो माँ ने उसके ऊपर जो गोबर है उसको डाल दिया है। गाइस मेरा पेट बहुत ज्यादा बाहर आ गया, क्या होगा इसका? खाना तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ और कसरत में कर नहीं सकता हूँ, कुछ और उपाय बताओ इसका। तो देखिए जी, एक अनुभव और सीख गया जिंदगी का। पहले मैं सीटी कैसी बजाता था ऐसी ए? और एक नया तरीका और सीख गया हूँ यू। और बाकी जैसे मैंने अभी सीटी बजाई वैसे अनिता भी करेगी एक बार ट्राई, कर जरा, कर 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 हाँ करो करो, अनिता भी आज मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगी। यस ट्राई कर एक बार, वही जो मैंने की थी पहले। हाँ कर 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 देखिए जी, अभी मैं नॉर्मल हूं ना, ये दोंगरी है ना, ये यू, फिर जीभ निकालो बाहर, फिर जीभ को फोल्ड करो अंदर, और जीभ को जब फोल्ड करोगे उसके नीचे दो उंगली रखो, फिर हवा दो बाहर, ए ए ए ये बस पागल, बस बहुत हो गया। अब रुला है क्या मेरे को? बहुत हो गया, अब मत रुला मेरे को, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस कंट्रोल। अरे बस ए, भाई, 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 भाई।